हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मेथी की खिचड़ी, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही ज्यादा ये टेस्टी बनेगी। और ठंड का टाइम हो, नाश्ते में मेथी की खिचड़ी बनाए और साथ में कॉफी या चाय का लुत्फ उठाए। भी हम तो नाश्ते में लेना पसंद करते हैं मेथी की खिचड़ी। आप कब खाना पसंद करते हैं मेथी की खिचड़ी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी मेथी की खिचड़ी बनाए तो रात में ही मेथी को भिगो दे पानी में। तो मैंने यहाँ पे आधा कप रात में ही पानी में भिगो दी थी मेथी। तो देखिए यहाँ पे इस वक्त डबल हो चुकी है। अब हम इसका पानी भी यूज करेंगे, इसे फेंकेंगे नहीं। उसके बाद मैंने यहाँ पे गैस पे पतीला चढ़ा दिया है। आप इसे कुकर में भी बना सकते हैं, पर मैं इसे पतीले में बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पे तेल गर्म कर लूंगी सरसों का। आप इसे रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, पर मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ। तो यहाँ पे हम छोटी सी प्याज ऐड करेंगे, जिसे मैंने लंबे साइज में काट लिया है। और साथ में ही इसमें 5 लौंग ऐड कर देंगे। ज्यादा खड़ा मसाला मैं यहाँ पे नहीं यूज कर रही हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे खिचड़ी में मेथी का फ्लेवर ज्यादा चाहिए। इसलिए प्याज को अच्छे से फ्राई कर लें जब तक कि ये गोल्डन नहीं हो जाती है। उसके बाद हम इसमें मेथी दाना ऐड करेंगे, जो हमने रात में ही भिगो के रखा था। और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मेथी का पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड किया है, क्योंकि हम यहाँ पे पानी मेजर करके डालेंगे। तो उसमें हम उस पानी को मिला लेंगे। मेथी को अच्छे से फ्राई कर लें 5 से 10 मिनट। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 6 कप तक के पानी ऐड किया है। उसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। उसके बाद हम इसे पका लेंगे जब तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाती अच्छे से। और मैंने अभी यहाँ पे गैस का फ्लेम हाई रखा है और उबाल आने वाली है, अप्रोक्सीमेट आ ही चुकी है। इसी वजह से काफी ज्यादा धुआं उठ रहा है। तो मैं यहाँ पे गैस का फ्लेम लो करके आपको दिखाती हूँ कि इसमें अच्छे से उबाल आ चुकी है। 5-10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे उबाल आने दें, क्योंकि अगर पानी इसमें कच्चा रह गया तो बिल्कुल भी खिचड़ी टेस्टी नहीं बनेगी। तो इसलिए इसमें अच्छे से उबाल आने दें। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से उबाल आ चुकी है। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2.5 तक के चावल ऐड किया है। तो मैंने यहाँ पे डेली बेसिस वाला चावल ऐड किया है। आप यहाँ पे बासमती राइस भी यूज कर सकते हैं। तो एक बात का यहाँ पे जरूर ध्यान दें कि हमने यहाँ पानी मेजर करके डाला था, तो हम चावल का पानी बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं करेंगे। बिल्कुल अच्छे से छान के चावल को डालेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने छन्नी से डाला था इसके अंदर चावल। तो अब यहाँ पे एक उबाल आने के बाद हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसे कवर कर देंगे और पकने देंगे। तो लो फ्लेम पे इसे पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे इसे ओपन करती हूँ। देखिए यहाँ पे हमारी मेथी की खिचड़ी अच्छे से बन के तैयार है। बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी है। तो जब आप मेथी की खिचड़ी सर्व करें तो ऊपर से देसी घी जरूर डालें, इसका स्वाद डबल हो जाएगा। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। साथ में बेल आइकन प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो करें। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।